भागलपुर में जदयू के महानगर अध्यक्ष राजदीप कुमार राजा को बदमाशों ने बीच सड़क पर अर्धनग्न कर जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह आरोपी बीच सड़क पर राजदीप राजा की लात घूंसे और लाठी से जमकर पिटाई कर रहा है, और इसी बीच सड़क पर हो रही पिटाई के दौरान आम लोग मुखदर्शक बने हुए हैं। मामला विश्वविद्यालय छाना क्षेत्र के पर्वती चौक के समीप का है। वही घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर दो थाने की पुलिस पहुंची। इधर पुलिस से जदयू नेता ने लिखित शिकायत कर बदमाशों पर कार्रवाई की मांग की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि भागलपुर जेडीयू के महानगर अध्यक्ष के करीबी सूरज कुमार यादव एक प्लॉट पर काम करवा रहा था, तभी धनंजय यादव, कन्हैया यादव, पलटू यादव 10-20 लोगों के साथ पहुंचे और मजदूर को पीटना शुरू कर दिया, साथ ही काम को बंद करवा दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद जदयू के महानगर अध्यक्ष राजा यादव पहुंचे। इसके बाद 10-20 लोगों ने बीच सड़क पर ही उसकी पिटाई कर दी, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में उसे इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर फिलहाल इलाज कराया जा रहा है। कल से काम करवा रहे थे, पानी सुखवा रहे थे, तो कल दिन भर भी काम हुआ, उसके बाद शाम में लेबर चला गया। आज सवेरे जब लेबर आया 8 बजे पानी लगा के चला गया। 9:30 बजे धनंजय यादव, कन्हा यादव, पलटो यादव उर्फ नरेंद्र यादव, छोटू यादव उर्फ गौरव, ये चारों भाई अन्य 10 लोग के साथ, जिसमें कि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी तिलका मांझी के जो गार्ड हैं वो भी आए थे। MBA डिपार्टमेंट में वो गार्ड हैं, वो भी आए थे, मतलब 10-12 गार्ड भी थे। वो लोग सब आके प्लॉट पे मेरे मशीन को खोल के फेंक दिए, मशीन लेके भी भाग गए, मशीन भी लेके लेबर को मारा अभी। उसके बाद फिर बिल्डर आए, एक हमारे भाई हैं महानगर अध्यक्ष राजकुमार यादव राजा भैया, वो आए थे, वो आके प्लॉट देखे। उसके बाद वो बोले कि इंस्पेक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं, बस बैठे हुए थे तब तक धनंजय यादव फिर से जितने लोग पहले थे उतने लोग फिर से तुरंत आए, आने के साथ मेरे दुकान में मारपीट करना शुरू कर दिए। उनको पूरा लहूलुहान करके नंगा अवस्था में उनको घींचते हुए पर्वती चौक पे लेके, वीडियो का प्रूफ भी है, चौक पे लेके गए। उसके बाद उधर से जब लौटे तो छोटू यादव धनंजय यादव को बोला कि सूरज यादव का भी घर जो खटाल है इसको पूरा खाली करवा देंगे। यही घटना हुई थी, फिर हम प्रशासन को खबर किए। मेरा नाम रणवीर यादव है, मैं स्वर्गीय श्री कामेश्वर प्रसाद यादव का पौत्र हूँ। ये हम लोग का प्लॉट है, तो धनंजय यादव, कन्हा यादव, गौरव यादव और नरेंद्र यादव, ये चार भाई हम लोग के मतलब दादा के गुजरने के बाद हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं, और जान से मारने की धमकी भी दूसरे लोग को बोलते हैं कि नहीं ये लोग को मार देंगे। तो हम लोग के जो मित्र थे श्री राजा यादव, जो जदयू के महानगर अध्यक्ष हैं, वो हम लोग के यहाँ पे ज़मीन पे बैठने के लिए आए थे, उस दुकान में बैठे थे। हम दोनों यहाँ पे खड़े थे, उनसे बात कर रहे थे, वो चारों भाई उधर से आए और बिना कुछ सोचे समझे कहे उनको मारना शुरू कर दिया। उनको नग्न अवस्था में करके यहाँ से मारते मारते पर्वती चौक तक लेके गए, और हमारे पास सारा उस चीज़ का साक्ष्य और प्रूफ है। मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमें न्याय मिले। किस मकसद से आए थे वो लोग? जान से मारने के मकसद से आए थे। नहीं, आपसी दुश्मनी नहीं थी, पर वो लोग हम लोग से मतलब हमेशा कुछ कटाक्ष खोजते रहते थे, और हमारे दादा के मरने के बाद वो लोग हमसे मतलब जबरदस्ती कर रहे थे कि जमीन पर हथियार लेंगे। भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र स्थित प्रीति मेमोरियल हॉस्पिटल के प्रबंधक समेत 3 लोगों को बदमाशों ने हथियार की बट से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 31 मई की शाम को बांका के विमल किशोर एवं कन्हैया कुमार पेशेंट लेकर क्लिनिक पर पहुंचे थे। यहां पर क्लिनिक में पहले से एडमिट किसी और मरीज का इलाज चल रहा था। इसी दौरान इन लोगों ने डॉक्टरों पर दबाव बनाया कि सबसे पहले मेरे मरीज का इलाज कीजिए, नहीं करने पर इन लोगों ने गाली गलौज करते हुए वहां से फरार हो गए। उसके बाद शनिवार को इन लोगों ने फोन कर चाय पीने के लिए बुलाया, जिसके बाद बदमाशों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जहाँ पर कन्हैया कुमार ने अज्ञात 10-15 लड़कों के साथ हाथ में लोहे का रॉड एवं पिस्तौल लेकर CMS स्कूल के बगल में चाय दुकान पर आए, जहाँ पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले उनकी पिटाई की और उसके बाद थूक चटवाया। वही तीनों घायल इलाज करने के बाद पुलिस से मामले की शिकायत करने पहुंचे। घायल राजेश पासवान ने बताया कि चाय दुकान पर बदमाशों ने बुलाया और उसके बाद हथियार का भय दिखाकर गाली गलौज और जान से मारने की कोशिश करने लगा। सभी ने मिलकर अस्पताल के प्रबंधक समेत 3 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। मामला यह है सर कि
ड्रेसिंग करवाने आए तो हम दूसरे का ड्रेसिंग कर रहे थे। वो बोल रहा था कि मेरा पहले करो, जब सर जिसको लेटाए हैं ड्रेसिंग के लिए उसको पहले हटाएंगे तब ना दूसरे को लेंगे सर। तो वो नया बोला नहीं मेरा ही करो, पूरा हंगामा करने लगा। तो हमारे मैनेजर साहब अंबू झा हैं, वो समझा बुझा के भेज दिए, बाहर चले गए। वो शाम में वो 20 लड़का के साथ आया, फिर चाय पीने अंबू झा के बुला के प्यार से बुला के चलिए आते हैं सर, ऐसे ऐसे चाय पीना है। तो बोले कि चाय हम नहीं पीते हैं, कभी चलिए बिस्कुट खा लीजिए बस। तो वहाँ गए, वो लड़का 15-20 तो पहले से हथियार रॉड वुड और बॉस का टुकड़ा लेके था। पहचानते हैं? हाँ बढ़िया, उसका जो पेशेंट है सर मेरा वो हॉस्पिटल का। कौन हॉस्पिटल का मामला? डॉक्टर प्रीति मेमोरियल हॉस्पिटल का वो पेशेंट है, उसका भाई के इलाज कराने आया था। तो उसी में मारपीट कर रहा, हमको पता चला गए जैसे इसको बोला तो हमको बोला कि तुम पास में घेरना नहीं, तुमको गंगड़ में गोली मार दोगे। तो जैसे इसको हमारे अम्मू झा को मैनेजर साहब को छुड़ाने गए, हमको जो है रॉड मार दिया इसमें पैर में, हम गिर गए तो हमको गोली सटा दिया। बोला कि तुमको थूक चाटना होगा, थूक चटवाने लगा तो संजीव मिश्रा सर आए, वो बोलने लगे कि इस तरह से मत करो, इसको ईंट से मार करके इस पैनल गया कर दिया। अब देखिए कि ये सर यही सब है सर। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश पासवान नाम है सर। आप कहाँ काम करते हैं? डॉक्टर प्रीति मेमोरियल हॉस्पिटल डॉक्टर अमर कुमार के यहाँ स्टाफ। आप अकेले थे उस समय? इंसान और जानवर के बीच के रिश्ते की कहानी हमेशा से चर्चा में रही है। वही भागलपुर के मोदीनगर में भी एक ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला। भागलपुर के मोदीनगर इलाके के रहने वाले रत्नेश कुमार एवं उनकी पुत्री तमन्ना ने अपने पालतू कुत्ते की मौत के बाद उसे इंसान की तरह न सिर्फ अंतिम विदाई दी बल्कि पूरे विधि विधान से उसकी आत्मा की शांति के लिए घर में पूजा पाठ भी कराया। रत्नेश ने बताया कि उन्हें अपने कुत्ते से बहुत लगाव था, वह उनके परिवार के ही सदस्य की तरह था। वही कुत्ते के मालिक रत्नेश की पुत्री तमन्ना ने अपने कुत्ते फूसी की मौत के बाद हाथ पर फूसी के चित्र की टैटू भी बनवा रखी है। कोविड के टाइम से फूसी मेरे साथ है, इससे पहले भी मेरे पास एक स्ट्रीट था, उसके जाने के बाद मैंने फूसी को लिया। खुशी कोविड के टाइम से मेरे साथ है और पता नहीं था कि इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा। अभी 3.5 साल की उम्र में ही इज़ नो मोर और बहुत 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 ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, मोर देन अ बेबी, मोर देन अ सन, जो भी कह सकते हैं। इनफैक्ट अपने बच्चे से भी ज़्यादा अटैचमेंट है उससे, जितना हो सकता था, जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, फिज़िकली, फाइनेंशियली, हर चीज़ जितना था। मैं अपना जॉब छोड़ के प्रॉपर आई थी उसकी ट्रीटमेंट के लिए। आई थिंक आई डिवोटेड माई एवरी थिंग, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाया। सब कुछ किया मैंने लिए, जितना हो सकता था, जितनी भागलपुर के डॉक्टर से लेके इनफैक्ट बिहार के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स को भी दिखाया, बट डॉक्टर्स की तरफ से भी मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं। और अब नहीं है, यहाँ पे इतनी सेवा नहीं है और आज वो नहीं है हमारे साथ। कैसे सेलिब्रेट करते थे बर्थडे? 10 मई को उसका बर्थ है, हम लोग उसको 21 जून को लेकर आए थे, बट एक्चुअल में 10 मई को उसका बर्थ है। एवरी ईयर हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से, हम लोग स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराते थे, हर डॉग जितने भी है हमारे लोकेलिटीज़ में सबको। और उसके जाने के बाद भी, इस साल भी मैं हरियाणा में थी, मैंने हरियाणा में सारे स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराया, मेरे ऑफिस से लेके मेरे घर तक जितने भी स्ट्रीट डॉग्स मुझे दिखे मैंने सबको फीड कराया। टैटू आपने बना रखा है? हाँ हाँ, ये उसके बर्थडे का सरप्राइज था लास्ट ईयर। तो अभी स्ट्रीट डॉग घर पे रख रहे हैं? अभी उसके जाने के बाद अराउंड 20-25 स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, कुछ कुछ मम्मी के एब्सेंस में घर पे भी रह लेते हैं अंदर, बट ऐसे वो हमारे कैंपस के अंदर रहते हैं, हमारे घर के कैंपस के अंदर। लगभग 3 साल पहले मैंने एक वो कौन सा डॉग था, फूसी नाम था उसका, ब्रीड था इंडियन ब्रीड। तो उस कुत्ते से हमको इतना लगाव हो गया, बहुत छोटा, बहुत बना 2 महीने जब उसको खरीदा था मैंने, वो 1.5 महीने का था, वो इतना उससे लगाव हो गया कि साथ सोना, साथ बैठना, साथ खाना, इवन है उसका इतना प्यार हो गया कि उसका हर चीज़ उसका अलग रखते थे, उसका कंबल, उसका खाने का सामान, सब चीज़ एक से एक उसका ऑनलाइन कपड़ा मंगाते थे, मोज़ा, स्वेटर, सब चीज़। लेकिन पता नहीं कैसे उसको ऐसा रोग हो गया, समझ में नहीं आया। यहाँ तो डॉक्टर यहाँ पर तो है नहीं भागलपुर, उतना अच्छा डॉक्टर उपलब्ध डॉग का। तो फिर हम पटना ले गए उसको फर्स्ट क्लास एसी में, और वहाँ आईसीयू में भर्ती भी किए, काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ
उसकी मौत हो गई यार, घर में मातम छा गया था, ऐसा लगता था घर का कोई मेंबर चला गया। भागलपुर के सबौर प्रखंड स्थित रजांदीपुर में सड़क निर्माण में अनियमितता के आरोप में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल लोगों का आरोप है कि वार्ड नंबर 6 में बनाए जा रहे सड़क में ठेकेदार से लेकर जनप्रतिनिधि तक भ्रष्टाचार कर रहा है। निर्माण कार्य में लगाए जा रहे गिट्टी बालू में मिट्टी मिला हुआ है, जबकि ईंट टूटा फूटा लगाया जा रहा है, जिससे सड़क ज्यादा टिकेगा नहीं, जिसको लेकर इन लोगों ने शनिवार के सुबह जमकर विरोध किया और रोड निर्माण कार्य को रोक दिया। सूचना पर वार्ड सदस्य पप्पू दास ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि गिट्टी मिल से आता है, जिसमें हल्का मिट्टी मिला हुआ रहता है, लेकिन ग्रामीण इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। बता दें कि पिछले कई दिनों से रजांदीपुर में वार्ड नंबर 6 में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें अनियमितता की शिकायत ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया गीता कुमारी को भी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसमें हम लोग का कहना था कि समुच्चय का बेचना चाहिए, इसमें मनमानी से अधभर बिछा गया है। उसके बाद इसमें मिट्टी में आधा से ज्यादा मिट्टी मिला हुआ है। किस चीज में मिट्टी मिला हुआ है? छरी में। छरी में मिला हुआ है। माध्यम से सड़क बन रही है मुखिया जी के माध्यम से। क्या नाम है मुखिया का? गीता देवी। कौन सा पंचायत पड़ता है? रंजीतपुर। कितना नंबर वार्ड है? 6 नंबर। वार्ड पार्षद कौन है? वार्ड पार्षद वार्ड है रेशमा देवी। रेशमा देवी जी, ये बताइए ये ठेकेदारी किनको मिला है, किस कंपनी को? प्रदीप जादव को मिला हुआ है। कहाँ का ठेकेदार है? कहलगांव का। ये मामला जो इस तरह अभी मिलावट हो रहा है, आगे चल के ये सड़क का क्या लाइफ रहेगा? अब क्या रहेगा सर, हम लोग तो इसीलिए कि जब नई सुनवाई किया गया तो आप लोग का सहारा लेना पड़ा। क्या देखिए, हम लोग को इस्टीमेट और ये सब का कुछ जानकारी नहीं है। हमको जहाँ तक देखने का था, बहुत जगह बना है, पहले का जो वार्ड सदस्य है हम लोग के यहाँ चलिए, वहाँ भी आधा ईटा वार्ड सदस्य का जो साथ हिस्से से जो बना है, इस तरह से जल नल नली गली जितना बना है आधा ईटा से बना है। हम लोग का चलिए वहाँ वार्ड में चलिए, ये शेखर मंडल जो है ना आधा ईटा से, वहाँ भी पहले से बना है, तो वहाँ का भी लोग बोल रहा है कि पहले भी आधा का बना है, अभी भी बन रहा है, तो हम लोग क्या जानेंगे? छर्री में जो मिट्टी मिलावटी है, इसको लेके क्या बोलिएगा? छर्री में मिलावटी तो मिल से आता है, वो गाड़ी में भेज दिया, वो क्या है नहीं है तो हम लोग तो वहाँ लदवाए नहीं जाके वहाँ। जनप्रतिनिधि का क्या काम है, बिना देखे ये सड़क बना दे? कैसे बिना देखे बन रहा है? तो वो जो है मिट्टी है, इसका जानकारी आप किसी को दिए कैसा क्यों आया? सब हम लोग घर में भी लाते हैं, उसमें भी मिट्टी रहता है, दुकानदार को बोलते हैं। जिससे सामान खरीदिया होगा उनको बोलिएगा ना जी, हम थोड़े खरीदे हैं, जो खरीदा है वो बोलेगा कि तो बोले। रजांदीपुर वार्ड नंबर 6 में रोड का निर्माण किया जा रहा है मुखिया जी के स्तर से और पंचायत के स्तर से ये निर्माण हो रहा है, और जैसा कि ग्रामीणों से पता चला है वार्ड नंबर 6 में जो छरी गिराई गई है वह उसका क्वालिटी सही नहीं है, इसलिए काम में अभी रोक लगा दी गई है, फिर से सही छर्री गिरा के ही काम शुरू किया जाएगा, और उस रोड का मरम्मती है इसलिए उस रोड में ईटा सोलिंग जो किया जा रहा है वो एस्टिमेट के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। यह मरम्मती का रोड है, उसमें मिट्टी भराई भी की गई है जो कि अपने तरफ से की गई है, जो एस्टिमेट में एडेड भी नहीं था। तो जो भी कार्य होगा वो पंचायत के स्तर से उचित कार्य होगा, इसलिए कार्य में भी रोक लगा है। हम लोग जैसे मुखिया जी को फोन लगाए तो उनके बेटा फोन उठाए, बोला इसमें जो है जेई साहब समझेंगे, जो भी समझेंगे। ठीक है, तो ये बात सही है क्योंकि जेई जो होते हैं वो क्वालिटी चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कार्य की गुणवत्ता और कार्य किस तरीके से किया जाना है वह उनकी देखरेख में होता है। जेई से बात की गई है और छरी उचित नहीं गिराए जाने पर छरी बदलने को आदेश दिया गया है।